हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टुडे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट की, जो नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। देखिए, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2, 1, 3, 5, यदि इन संख्याओं का हम लोग गुणा करें आपस में, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इसे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो प्रोसेस हम लोगों का, उस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 और ये 7, ये 5, ये 3 और ये 7। अब देखिए, अगर इन संख्या में हम केवल इकाई और इकाई अंक का गुणा करते, 1 और 5 का, तो भी क्या आता है, 5 आता है। और अगर हम लोग इस पूरे को गुणा कर दिए तब भी क्या आ रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार इसमें 1 और 5 का गुणा करते हैं तो ये 5 आ गया है। इसके बाद 2 का फिर जब दोबारा इसमें 5 में गुणा होता है तो एक ये जो यूनिट होती है, एक जगह ये छोड़ दी जाती है, इसके आगे से उसका कैलकुलेशन होता है। तो इस नाते जो पहली बार यूनिट बन जाती है वही यूनिट मेंटेन रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का कोई भी गुणा होता है तो पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए 1, 1 ये है 3, 4, 5 × 7, 8, 5। अगर इस संख्या का गुणा करके यूनिट डिजिट निकालनी हो तो पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबके यूनिट डिजिट को केवल आपस में गुणा करा देंगे और केवल एक एक यूनिट उसमें से हम लोग लेते चलेंगे। जैसे मान लीजिए 5 × 5 = 25 होता है तो 2 उसमें से छोड़ देंगे, केवल 5 याद रखेंगे और फिर यहाँ पे 1 का जो गुणा है इसके साथ करा देंगे तो 1 × 5, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। देखिए 2013 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, 3 × 38, 3 × 38 × 537 × 1256 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें इकाई का अंक देखना है तो हमको सिर्फ इसमें 7, 8, 3 और 6 केवल इन्हीं का आपस में गुणा कराना है, और गुणा कराने के बाद, और वो भी सबका एक एक यूनिट केवल इकाई अंक गुणा कराते हुए चले जाना है। जैसे 6 और 7 का आपस में गुणा कराएंगे तो 6 × 7 = 42, 4 उसमें से छोड़ देंगे, इस 4 को छोड़ देंगे और केवल 2 याद रखेंगे, फिर इस 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2 × 8 = 16, इसमें फिर 1 को छोड़ देंगे और 6 को उठा लेंगे और 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 6 × 3 = 18 यानी 8। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ, 8 हुआ। इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए 81 × 82 × 83 × 84 ऐसे करके × 89 तक का है, तो इसका भी इकाई अंक निकालना है। तो इस ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 ये ऐसे करके 9 तक है इकाई में, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, यदि इकाई का अंक कहीं भी 5 हो और इसमें गुणा करने वाला कोई भी एक सम संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ सम संख्या 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जब भी इनके साथ 5 आए, सम संख्या के साथ 5 आए गुणक में, तो उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 में जब 2 का गुणा कर देंगे तो ये 10, 0 इकाई हो जाएगा, और एक बार इकाई 0 हो गया तो 0 ही रहेगा किसी भी संख्या में गुणा करने पर। तो इस नाते इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 0 होगा, ये फिक्स है। घातों का इकाई अंक, इसमें देखिए टोटल जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 0 से लेकर के 9 तक यही होंगे। इसको हम लोग 3 ग्रुप में बांट दिए हैं। पहला फर्स्ट में 4 हैं, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। सेकंड में 4 और 9 है, और थर्ड में 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये इस नाते ग्रुप बटा है
क्योंकि ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें कोई भी घात आप लगा दीजिए इनके ऊपर, इनका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए 0 में कितना भी घात लगाएंगे इकाई अंक तो 0 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 पे कितना भी घात लगाते चले जाएंगे इकाई अंक 0 ही रहेगा। ऐसे ही 1 है, 1 के ऊपर आप 1 घात लगाते हैं तब भी 1 है, 10 घात लगाते हैं तब भी 1 है, चाहे जितना। क्यों? क्योंकि 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना भी 1 के साथ गुणा करेंगे उसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। इसी तरीके से 5 है, 5 के साथ भी चाहे जितना घात लगा दीजिए इसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता। जैसे 5 पे अगर 1 है तो 5 ही रहेगा, 2 कर देंगे तो 25 इसका मान हो जाएगा, तब भी इकाई अंक 5 ही रहेगा। फिर 3 कर देंगे 125 हो जाएगा, तब भी इकाई अंक 5 ही रहेगा। मतलब कि फर्स्ट ग्रुप में जो 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इसका इकाई अंक चाहे जितना भी घात लगा दीजिए कभी चेंज नहीं होता, वही इकाई अंक रहता है। सेकंड नंबर पे सेकंड ग्रुप में देखते हैं, इसमें दो संख्याएं हैं 4 और 9। तो 4 और 9 की जो साइकिल सिटी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। अर्थात जैसे इसमें साइकिल सिटी 1 थी तो इसमें 2 है। 1 होने पर मतलब एक ही के बाद उसकी वापसी हो जाती है, अर्थात वो संख्या नहीं बदलती। इसमें एक संख्या बदलेगी और दोबारा वही संख्या आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 पे 1 की घात होगी तो संख्या वही रहेगी, 2 की घात होगी तो संख्या 6 हो जाएगी, और जैसे ही पुनः 3 की घात होगी तो संख्या वही वापस आ जाएगी, और 4 की घात होगी तो 6 आ जाएगी। मतलब ये दो ही संख्याओं में कोई भी घात होगी 4 के ऊपर तो उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब वो घात जो है वो अगर घात ऑड है, क्या है? ऑड है, ऑड है तो वो उसकी इकाई अंक 4 होगी, और अगर वो इवन है तो उसकी इकाई अंक क्या होगी? 6 होगी। ये ध्यान में रखिएगा। यही सेम चीज 9 के साथ में भी है। 9 पे यदि 1 का घात है तो संख्या वही रहेगी, 2 का घात है तो 1 हो जाएगी, 3 का घात है तो पुनः संख्या 9 हो जाएगी, और 4 का घात है तो पुनः 1 हो जाएगी। मतलब ऑड अगर वो संख्या रहेगी जो घात है, ऑड होने पर वो संख्या वही रहेगी और इवन होने पर 1 होगी। 4 पे हम लोगों को देखना है ना, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 के ऊपर घात कितनी है? 8 है और 1 की है। तो इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक का देखना है, इकाई अंक निकालना है। तो इसके ऊपर क्या है? ये संख्या देखनी है सिर्फ कि ऑड है कि इवन है। तो ये क्या है? ऑड है। ऑड पे क्या होगी? 4 ही होगी। इसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। अगर मान लीजिए ये 82 होता तो इसका मतलब ये क्या है? इवन है 82, और इवन है तो इसका एक इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरीके से 9 में भी, जैसे मान लीजिए 9 पे कोई भी घात हम लगा दें, अब ये सिर्फ हमको देखना है कि ये जो घात लगी है वो ऑड है कि इवन है। तो ये क्या है? ऑड है। ऑड है तो संख्या वही इकाई अंक 9 ही हो जाएगा। और यदि ये इवन होता, मान लीजिए ये 368 होता, तो ये क्या हो जाता? 1 हो जाता। तो ये है सेकंड ग्रुप का। 4 पे और 9 पे कितना भी घात लग जाए तो सिर्फ हमको क्या देखना? ऑड और इवन देखना है। ऑड है तो जो संख्या है वही रहेगी, और इवन है तो 4 के केस में 6 हो जाएगा और 9 के केस में 1 हो जाएगा। अब ये थर्ड ग्रुप देखिए, इसकी साइक्लिसिटी कितने की होती है? 4 की होती है, अर्थात 4 के बाद वो संख्या वापस आती है। यानी यदि 2 पे 1 का घात है तो संख्या 2 ही होगा, 2 पे यदि 2 का घात है तो संख्या 4 हो जाएगी, 2 पे 3 का घात है तो इकाई अंक 8 हो जाएगी, 2 पे यदि 4 का घात है तो इकाई अंक 6 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 का है, 7 का है और 8 का है। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बस केवल ध्यान में इसमें इतना ही रखना है कि 4 के बाद इसमें साइक्लिसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि जो भी संख्या 3 पे होगी, 3 पे जो भी घात होगा, 2 पे जो भी घात होगा या 7 पे होगा, तो इनके लिए जो भी घात हैं उसको सिर्फ हमको ये देखना है, यदि वो संख्या 4 से बड़ी है तो 4 से भाग देने के बाद में जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो उस संख्या का घात होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 7 पे
11 की घात लगा दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये संख्या 11 है तो 4 से हम भाग देंगे इसमें। 4 से भाग देने पर ये दो बार में तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना? 3 बचेगा। 4 दूनी 8, 3 11, 3 बचेगा। अर्थात इस 7 पे हम लोग 3 की घात मान के यूनिट डिजिट निकालेंगे। यदि यही चीज यहाँ पे 3 पे, मान लीजिए 15 होता, 3 पे घात 15 है, तो इसका मतलब 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से हम इस संख्या में भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 4 3 12, कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 3 की साइक्लिसिटी यहाँ पर हम लोग 3 पे जो घात होगा इसे हम लोग 3 मान करके इसकी यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इस पे जैसे सवाल हम लोग देखते हैं सीधे, 2014 में ये सवाल आया है, और देखिए क्या है। ये है 264, क्या है? 264 पे 102 की घात है, और यहाँ पे 264 पे ही 103 की घात है, और हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इकाई अंक क्या है? 4। इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ हमें इकाई से मतलब है। इकाई अंक 4 है, और 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 4 और 9 में हम लोग क्या देखते हैं? ऑड और इवन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये है इवन। यहाँ पे देखिए, ऑड पे वही संख्या होती है, और इवन पे ये 6 हो जाएगी, क्योंकि इवन एक चीज और देख सकते हैं, इवन का मतलब सम यानी 2 की घात होगी, तो 4 चौक 16 यानी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगी, और ऑड का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 6, और यहाँ पे आ गया 4, तो दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 2010 में ये आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, 7 पे कितने की घात है? 7 पे 71 की घात है, 6 पे 63 की घात है, और 3 पे 65 की घात है। यहाँ पे क्या था? प्लस था, और यहाँ पे क्या है? इंटू है, गुणा है। तो यहाँ पे देखिए, 7 इसकी साइकिल सिटी क्या होती है? 4 होती है। 6 है इसकी साइकिल सिटी क्या होती है? 1 होती है। और ये क्या है? 3, 3 की साइकिल सिटी क्या होती है? 4 होती है। 4 से इस 71 में हम लोग भाग देंगे जो घात है, घात को कम करने के लिए 4 से भाग देंगे, तो 4 3 बचेगा 1, 4 7 28, यानी 7 पे घात कितनी बचेगी? 3 की। यहाँ पे देखिए, 6 पे 63 हो, कितना भी हो, इसका हमेशा 1 ही होगा, तो 6 पे 1 का मतलब, 6 पे 1 का मतलब 6 ही होगा। यहाँ पे देखिए, 3 पे 65, 4 से भाग देंगे, 4 4 6 24, 1 यानी 3 पर 1। तो यहाँ पे क्या है? 7 पे 3 है, 6 पर 1 है, और 3 पर 1 है, तो यहाँ पे 3 ही होगा, यहाँ पे 6 ही होगा। और 7 पे 3 का मतलब हो गया कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 9 सते 63, यानी 3 3 और 6। क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुणा। जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल की बात की जाए, इसका मतलब 4 इस संख्या से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं सबका आपस में गुणा करा दिया जाए, क्रम गुणित कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए, 4 से 4 एक संख्या हो गई, इससे छोटी 3 हो गई, इससे छोटी 2 हो गई, इससे छोटी 1। इन सभी का आपस में यदि गुणा करा दिया जाए, और उन गुणा का जो भी आंसर आ रहा है वो क्या होगा? इस 4 का फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो ये हो गया जैसे 4 3 12 दूनी 24। तो कहीं भी 4 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब कि वो 4 नहीं, बल्कि उसका मान कितना है? 24 है। अब इसमें नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल में आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 20, 20 3 60, और 60 दूनी 120, करने 120। ये क्या है आपका? 5 फैक्टोरियल का है। तो अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल में क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है, तो इसको चाहे हम इधर से गुणा करें या इधर से गुणा करें, बात एक ही है। जैसे मान लीजिए 3 फैक्टोरियल का 1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे भी कर सकते हैं,
तो ये हो गया 6। फिर जब 4 फैक्टोरियल हम लोग करते हैं तो ये से 6 में ही तो 4 का गुणा बढ़ता है, तभी तो क्या होता है 24 होता है। जो यहाँ पर देखिए ये 24 यहाँ पर आया है 4 फैक्टोरियल का, ये 4 फैक्टोरियल का 24 मान। अब अगर 5 फैक्टोरियल का करेंगे हम लोग तो इसी 24 में तो ही 5 का गुणा होगा, तो जा करके ये 120 हुआ। क्रम गुणित में क्या होगा कि जो 4 फैक्टोरियल है, इस फैक्टोरियल के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल आपके आएंगे सब क्या होंगे, 4 से वो कटने वाले होंगे, 4 से विभाजित होंगे। और 5 फैक्टोरियल के ऊपर जितने होंगे सब में लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। अब इस पे हम लोग सवाल देखते हैं। 2 पे 11 फैक्टोरियल का घात है। अब इस 11 फैक्टोरियल के घात में यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट। तो अब देखिए वो की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो 4 से भाग हम लोग 11 में नहीं देंगे, 11 फैक्टोरियल का जो मान है उसमें तो देना है। और 11 फैक्टोरियल के लिए आपको पता है कि जैसे ही 4 फैक्टोरियल से ऊपर हम लोग जाते हैं सभी 4 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसमें तो 24 है ही, वो संख्या 4 आ जाती है। तो इस नाते वो संख्या पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाती है। यानी 11 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसका मतलब 2 पे जो घात होगी वो 4 होगी। 2 पे 4 का घात का मतलब हो गया कि वो संख्या क्या होगी, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 6। तो आंसर क्या हो गया, 6। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 7, 3 पे घात हो गई 123 फैक्टोरियल की, गुणे हो गया 2, 3, 7 पे घात हो जाएगी 234 फैक्टोरियल की। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो कुछ नहीं, यूनिट डिजिट निकालना है तो पता है कि 3 है तो 3 की साइकिल सिटी 4 होती है, और 7 है यहाँ पे, 7 की भी साइकिल सिटी क्या होती है, 4 होती है। तो ये जो 123 फैक्टोरियल है ये 4 फैक्टोरियल से ऊपर ही है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। तो इसका मतलब ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा और ये भी 4 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी 7 पे 4 आ जाएगा, 7 पे 4 की घात, और यहाँ पे भी 3 पे 4 की घात, और 9, 9, 81, 1 इसका मान 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट, और 7 पे 9 यानी यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरीके से अगर फैक्टोरियल है तो उसे ध्यान में भी रखना होगा। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।